फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको बता रहे हैं, एक हमारे पास प्रिंटर आया है LBP 2900। ये आपका मॉडल है कैनन LBP 2900। ये लेजर प्रिंटर होता है, HP की कंपेयर ये 10-20 जो प्रिंटर होता है उसके कंपेयर ये प्रिंटर बनाया हुआ है कैनन ने। इसमें वही 12A की कार्टेज लगती है, जो 10-20 में लगती है वही कार्टेज इस मॉडल में लगती है। ये भी प्रिंटर बहुत अच्छा मॉडल होता है। आज इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, जो ये आया फॉल्ट क्या है कि अब जब हम इसको ऑन करते हैं तो बस ये, अब आप देखोगे ये आवाज़ ही करता रहेगा, घूमता घूमता रहेगा, स्टोलाइज ही करता रहता है, ये रेडी नहीं हो पाता है प्रिंटर। तो इस कंडीशन में फॉल्ट क्या होते हैं, आपको एरर जो शो होगा वो लेजर स्कैनर यूनिट का एरर शो करता है कंप्यूटर पे। ये इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें लेजर ये कि स्कैनर होता है, लेजर स्कैनर जो इसके अंदर होता है वो ख़राब हो जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। LSU एरर भी बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म होती है लेजर स्कैनर यूनिट की, LSU एरर भी आता है इसमें। तो वही प्रॉब्लम आज इसमें है। हम अब इसको देखो, जब हम इसको स्कैन रेडी करने के लिए ऑन करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्या करता है, तो घूमता ही रहता है, ये रेडी नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में इसकी स्कैनर की प्रॉब्लम होती है, स्कैनर की बीम जो होती है वो ख़राब हो जाती है इसकी, वो चेंज करनी होती है, जब ये रेडी हो पाएगा। हम आपको अभी दिखाते हैं कि ये कैसे खुलता है। ये वैसे हमने पूरा प्रिंटर खोल रखा है, ये साइड में कवर होते हैं इसके दोनों तरफ, तो ये खुला हुआ प्रिंटर है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसका स्कैनर कहाँ पर होता है। ये यहाँ पे इसका स्कैनर होता है, ये यहाँ पे इसका लेजर स्कैनर होता है, ये इसमें इशू कार्ड होता है यहाँ पे। ये इसका इशू कार्ड है, ये लेजर स्कैनर है, मैं आपको हटा के दिखाई देता हूँ। ये इसमें स्कैनर होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है स्कैनर की वजह से। अब हम स्कैनर चेंज यदि इसमें करेंगे तो ये हमारा प्रिंटर रेडी हो जाएगा। ये हमने इसका स्कैनर चेंज कर दिया है, अब हम इसको फिट कर रहे हैं। चेक करते हैं लगा के इसको, अब आप देखोगे कि ये पहले क्या कर रहा था। आप शुरू वीडियो के शुरू में देखोगे तो ये मूव होता रहता है, घूमता ही रहता है प्रिंटर, घूमता ही रहता है, रेडी नहीं हो पाता है। अब हमने जब स्कैनर चेंज करके लगाया, आप देखोगे प्रिंटर एक सेकंड के लिए इंस्टॉलाइज होगा और फिर उसके बाद ये बंद हो जाता है। अब आप ये इसी को हम बोलते हैं प्रिंटर अब हमारा रेडी हो गया है। तो इस प्रकार आपने देखा सूरज कंप्यूटर्स, ये प्रिंटर रिपेयरिंग में, कोई भी आपका प्रिंटर हो, कैनन हो, सैमसंग हो, HP हो, कोई भी लेजर प्रिंटर हो, इंकजेट प्रिंटर हो, सूरज कंप्यूटर सारे प्रिंटर में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। कहीं भी आपको पूरे दिल्ली NCR में सूरज कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हमारे दिए गए नीचे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियोज कैसा लगा।